जैसे हम लोगों ने पंचायती राज के बारे में पढ़ा, पंचायती राज का मतलब होता है कि ग्राम के स्तर पर तीन स्तरीय पंचायतों के गठन की बात की गई। ऐसे ही क्या है कि वो तो ग्रामीण समुदाय में हो गया, ऐसे शहरी स्तर पर नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई कि कैसे स्थानीय स्तर पर वहां पर सरकारें गठित की जाए। उसके लिए अनुच्छेद 209 में नगर पालिकाएं शीर्षक से अनुच्छेद 243 वो पर वो खत्म हो जाता है। वो के बाद पी आता है 243 से 243 तक है, मतलब जेड पर खत्म होगा, एबीसीडी से फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यह शामिल किया गया 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1993। अच्छा, एक चीज आपने एक ध्यान वहां मैंने बताया था, यहाँ लिखवाया नहीं, जो पंचायती राज का प्रावधान किया गया, ठीक है, भाग 9 में, उसके अलावा मैंने बताया कि 1973वां संविधान संशोधन आया, उसके द्वारा एक ग्रामीण अनुसूची भी जोड़ी गई थी। इसको जब अनुसूची में पढ़ा रहा था ना, इसको आप उसी से जोड़कर देखेंगे, मतलब 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ना वो तो उसको लिख भी लीजिए, लिखिए जहां पर आपने लिखा 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय निर्धारित किए गए ना। इसको यहाँ से थोड़ा आप अंडरस्टैंड करेंगे ज्यादा अच्छे से। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण अनुसूची जोड़ी गई 93 में, 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 29 विषय निर्धारित किए गए, मतलब आपकी ग्राम जो पंचायतें हैं वह क्या कार्य करेंगी, वह 29 विषय बताए गए हैं। ठीक है, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा इतने अनुच्छेदों का अस्तित्व आया और इसमें ब्राह्मी अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, ब्राह्मी अनुसूची भाग 9 का में तो नगर पालिकाएं हैं, इस 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो आ रही है, उसके अलावा ब्राह्मी अनुसूची भी जोड़ी जा रही है। 73वें के द्वारा ग्रामीण अनुसूची जोड़ी जा रही है, ऐसे 74वें के द्वारा ब्राह्मी अनुसूची जोड़ी जा रही है। इसमें 18 विषय है, 18 विषय, विषय का मतलब ये होता है जैसे जल निकासी का कार्य करना, सफाई का प्रबंध करना, ठीक है, ये सब जो कार्य करना है वह क्या क्या है, तो 18 विषय है 74वें संविधान संशोधन द्वारा और 29 विषय है पंचायती राज द्वारा। ठीक है, तो यह क्या है भाग 9 का में, मतलब हम समझ सकते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन भाग 9 का लिखा है ना, शहरी स्थानीय स्वशासन मतलब यही पूछा था। अच्छा, यही पूछा था, तो शहरी स्थानीय स्वशासन जो है यह भाग 9 में है, इसका मतलब यह है कि यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें द्वारा जो ग्रामीण स्तर का स्थानीय स्वशासन है वह आया। तो इसमें 7-8 प्रकार के क्षेत्र गठित किए जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, हल्के में देख लेते हैं इसको। तो लिखिए पहला नगर निगम, अठारह विषय मैंने बताया ना, ठीक है, पहला नगर निगम 1687-88 में, 1687-88 में मद्रास में गठित किया गया। ठीक है, 1687-88 में, हाँ 1687-88 में मद्रास में गठित किया गया, क्योंकि जो अंग्रेज थे, बिरसर जो थे, वह शहर का ही निर्माण तो कर रहे, शहरों में ही रह रहे थे, उनको पंचायती राज से मतलब नहीं था। और ये भी आप जानते रहिए कि स्थानीय जो स्वशासन है, शहरी नहीं बल्कि पूरा जो स्थानीय स्वशासन है, इसका जो जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, इस बात को भी आप जानते रहिए। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पर गठित किया जाता है। तो आप देखेंगे महत्वपूर्ण रूप से तीन चीजें आपके सामने आती हैं, अगर आप देखेंगे, एक है नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका, ये सब तो आप लोगों ने सुना होगा ना, और नगर निगम, हाँ ये सब शहरी स्थानीय स्वशासन में आ जाएंगे। ये शहरों में होते हैं ना, देखिए ग्राम पंचायतें ना, जो क्षेत्र पंचायतें और जिला परिषदें, वह ग्रामीण स्तर की स्थानीय स्वशासन हो जाता है, और नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, ये तमाम चीजें जो होते हैं वह आ जाता है इसमें।
तो आप इसमें क्या क्या अनिवार्य प्रावधान है इनको लिख लीजिए, अनिवार्य प्रावधान लिखिए। सबसे बड़ा नगर निगम होता है जो मतलब हाँ जनसंख्या के आधार पर विभाजन किया जाता है। नगर पंचायतें जो धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होती है उनको, जो छोटे शहर हैं उनको नगर पालिका कहा जाता है, जैसे आपका जौनपुर खुद ही है। उसके बाद जो बड़े शहर होते हैं जिनको महानगर की श्रेणी में कहा जाता है वो सब नगर निगम होते हैं। ठीक है, इस समय उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? 17 है ना। 17वां किसको बनाया गया? शाहजहांपुर को। अंतिम जो नगर निगम बनाया गया शाहजहांपुर को 17वां बनाया गया है। लिखे 17वां नगर निगम शाहजहांपुर को बनाया गया। जहां से भी आजकल क्वेश्चन मिले आप लोग उसको बटोरते चलिए, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। तो जो 17वां नगर निगम है वह शाहजहांपुर है। इसमें जो अनिवार्य प्रावधान है उसको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 आरक्षण, अनुच्छेद 243 आरक्षण का मतलब वही किसके लिए? एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है 243 में। ठीक है, अब कहां पर? जो शहरी स्थानीय स्वशासन है। उसके बाद 243U, 243U मतलब कार्यकाल, कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। ठीक है, उसके अलावा 243Y वित्त आयोग, 243Y वित्त आयोग, वित्त आयोग। उसके बाद 243Z निर्वाचन, ZA निर्वाचन इनका कैसे होगा उसके बारे में प्रावधान किया गया। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं शहरी स्थानीय स्वशासन से। ये बात समझ में आ रही है ना? तो मतलब क्या करना है कि अगर आप देखेंगे कंक्लूजन, अगर आप देखते हैं कि तो संघ स्तर की सरकारें, राज्य स्तर की सरकारें, उसके बाद स्थानीय स्तर की सरकारें आ जा रही हैं। उन स्थानीय स्तर की सरकारों में एक गांव के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए पंचायतों का गठन किया जा रहा है, और जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए शहरी स्थानीय स्वशासन का विकास किया जा रहा है। संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। 73वां संविधान संशोधन उससे पंचायती राज से है। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से है। 73वां के द्वारा यह अनिवार्य प्रावधान किए जाते हैं जो आपको मैंने अनुच्छेद बताया। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसके अनिवार्य प्रावधान। 73 के द्वारा ग्रामीण अनुसूची, 74 के द्वारा ब्राह्मी अनुसूची, और ग्रामीण अनुसूची में 29 विषय, ब्राह्मी अनुसूची में 18 विषय, और उसको सिर्फ आपको समितियां याद रख लेनी है, बस इतना ही करना है। ठीक है।